गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। क्लास 10 रिवीजन पार्ट में हम आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सो आज हम 10 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इजी क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ते चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 माइनस 2 एंड माइनस 1 कॉमा एक्स इज 5, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रफ करते चलते हैं, आपको समझ में आ जाए। सो मेरे पास एक दो पॉइंट हैं, 2 माइनस 2 एंड माइनस 1 एक्स, और जिनके बीच डिस्टेंस है 5 यूनिट। सो हमें क्या करना होगा, पी क्यू, तो पी क्यू की लेंथ कैसी हम देखते हैं, मेजर कैसे करते हैं डिस्टेंस, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये करते हैं। तो ठीक है, एक बार मैंने फॉर्मूला लिखा, बार बार नहीं लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। ये ध्यान से देख लीजिए क्या फॉर्मूला है। तो पी क्यू यानी हमारा 5 अंडर रूट माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। ये हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, 25 इज इक्वल टू माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। सो 25 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों हो गया 9 और 4 13, अब वो 13 प्लस में है, ये इधर आता है तो माइनस में। अब 13 में से 25 अगर माइनस हो रहा है तो माइनस 12 बचेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, सो 4 एंड दिस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स एक्स प्लस 6 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स की दो वैल्यू हैं, एक तो माइनस 6 दूसरा 2। अब हमारे ऑप्शन में क्या है, क्या माइनस 6 है या 2 है, देखते हैं। सो माइनस 2 2 1 माइनस 1 एंड 1, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर इलाबोरेट करने में बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर अगर आपकी प्रैक्टिस है डिस्टेंस फॉर्मूला पर तो आप जल्दी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस ए माइनस 2 8 एंड बी माइनस 6 माइनस 4, इनका मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट इजली हम जानते हैं क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना। तो x1 प्लस x2 माइनस 6 माइनस 2 इज माइनस 8, ऐड किया तो, और अपॉन 2 माइनस 4। अब माइनस 4 हमारे पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो हमारा ए और सी में कोई भी हमारा एक आंसर हो सकता है। नाउ 8 प्लस माइनस 4, इट मीन्स 8 प्लस माइनस 4 का मतलब हो गया माइनस 4, कैसे 8 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, तो 8 माइनस 4 अपॉन 2 इट मीन्स 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इज 2, तो यहाँ पर माइनस 6 था यहाँ पर 2 है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्लियर, नेक्स्ट आगे देखते हैं, द पॉइंट ए 9,0 बी 9,6 सी माइनस 9,6 एंड डी माइनस 9,0 आर द वर्टिसेस ऑफ व्हाट स्क्वायर ट्रायंगल दिस। अब आप इसको बहुत सॉल्व मत करिए, है ना। अब आपको क्या करना है, एक रफ फिगर बनाइए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। सो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। देखिए पॉइंट हमारे कौन कौन से थे, सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है 0 9,0, 9 एक्स एक्सिस पर आएगा 9,0, ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा 9,6, सो 9,6 इज समथिंग जस्ट अबव द 9,0। ठीक है, 9,6 कहाँ होगा, 9,0 के ऊपर। दूसरा पॉइंट है माइनस 9,6, माइनस 9 यहाँ पर होगा माइनस 9,6। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर माइनस 9,6 एंड माइनस 9,0 माइनस 9,0 ये रहा। सो अब आप देखिए कि
क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये लेंथ 6 है और ये लेंथ टोटल 9 एंड 9 18, तो ये रेक्टेंगल ही दिख रहा है। तो हमारे ऑप्शंस में क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शन में है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। सो ये मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है जहां पर क्या है, यहां 90 डिग्रीज है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी 2.3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आप देखें किसी भी पॉइंट के लिए, पॉइंट कैसा है, पॉइंट है 2.3, इस पॉइंट की पी की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, तो वो तो मुझे कौन बताएगा, वाई पॉइंट बताएगा ना, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3, तो वाई कोऑर्डिनेट 3, इसका मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 3 है, यानी बी ऑप्शन। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0.6 एंड बी 0.-2 इज, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो आप जरा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अगर गौर करेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 0.6 कहाँ होगा, 0.6 ये वाई एक्सिस पर होगा, सिमिलरली 0.-2 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 6 और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 2। ऑलरेडी बिना सॉल्व किए अगर हम देखें तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया 8, और ऑप्शन में बी ऑप्शन आपके पास है, डी है ना, 8 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6.8 फ्रॉम ओरिजिन, -6.8 फ्रॉम ओरिजिन। तो देखिएगा -6 यानी इधर, ठीक है, और 8, तो मैं यहां पर ले लेता हूं कि ये -6.8 मेरा पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से चाहिए यहां से, तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 0.0 हो गया। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू x2-x1 -6 होल स्क्वायर प्लस 8 -0 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 आप करेंगे 100 आएगा, यानी कि 10। तो डिस्टेंस है इस पॉइंट की ओरिजिन से, दैट इज 10, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0.5 एंड -5.0, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितनी है। सो कहाँ गया, 0.5 एक पॉइंट हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा -5.0। अब आप ये देख रहे हैं कि इनके बीच डिस्टेंस चाहिए, तो इजी वे में डिस्टेंस x2-x1 0-5 स्क्वायर प्लस 5-0 होल स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 25 ऐड करेंगे 50, ठीक है। अब क्या मेरे पास अंडर रूट 50 कोई ऑप्शन है, तो मेरे पास अंडर रूट 50 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा इसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, 25 × 2 भी तो लिख सकते हैं हम, 25 का अगर हम फैक्टर करें तो 5 × 5 × 2 आ जाएगा, एंड 5 का पेयर हम बाहर, यानी 5√2, इस 50 को अंडर रूट 50 को हम 5√2 लिख सकते हैं। क्या मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ये चेक करते हैं, ऑप्शन 5√2, यस बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नाउ ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर दीस, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये रेक्टेंगल के हैं वर्टिसेस ए ओ बी, और ए ओ बी सी मेरा एक रेक्टेंगल है, तो पहले मैं ए ओ बी सी एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ए ओ बी सी, करेक्ट। नाउ ए कितना है, 0.3, बी कितना है, 0.0, ठीक है, ओ सॉरी ए और ओ, नाउ बी इज 5.0। नाउ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज, पूछ रहा है डायगोनल की लेंथ क्या होगी, आपको पता है रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तो जिसके दो वर्टिसेस पता हैं, है ना, दो कॉर्नर्स यानी कह सकते हैं कि एंड पॉइंट पता है, वो निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी की लेंथ आ जाएगी जो कि डायगोनल होगा। सो 5-0 का स्क्वायर प्लस 3, 0-3 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और यही हमारा
डायगोनल की लेंथ हुई। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, हाउ इट विल बिकम √31। क्या √31 कोई ऑप्शन है? सॉरी 34। तो √34 कोई ऑप्शन है? तो √34 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन सी। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए? यहाँ पर आपको चाहिए लेंथ। लेंथ ऐड कर लेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसका फिगर कोऑर्डिनेट एक्सेस से बना लें, क्या पता बिना सॉल्व किए भी मिल जाए चीज़ें। तो 0.4 इज हियर ऑन द वाई एक्सेस, 0.0 इज हियर एंड 3.0 इज हियर। सो ये लेंथ हमारी हो गई 3, क्योंकि यहाँ पर 0 से 3, एक्स में 3 वाई में 4 है, तो ये लेंथ 4 हो गई। नाउ अब हम अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमें पता है ये लेंथ आ जाएगी 5, इतना तो आप जानते ही हैं। सो 5, 4, 3 हो गया, 5, 4, 9 + 3, 12। पेरीमीटर कितना हुआ इस ट्रायंगल का? 12। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया सॉरी, तो ये एरिया का क्वेश्चन है, एरिया इस बार हमारा डिडक्ट हो गया है तो ये हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है? ओके, आज फिर 9 क्वेश्चन ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। आज डिस्टेंसेस के क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन। थैंक यू एंड जय हिंद।